धनबाद एनसीपी के जिला अध्यक्ष सोहराब अली के नेतृत्व में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता का गर्मजोशी से करकींद मोड़ में स्वागत किया गया। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। तदुपरांत एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कृष्ण मुरारी गुप्ता ने परिसदन के प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार सभी मोर्चा पर विफल रही है। बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि से आम जनता के बीच सरकार बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि से आम जनता के बीच सरकार की शाख गिरी है। जनता का विश्वास वर्तमान सरकार से उठ गया है। ऐसे में पुनः जनता यूपीए की सरकार लाने का मन बना रही है। एनसीपी पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूरे प्रदेश में जोरदार आंदोलन करेगी। इसी क्रम में आगामी 10 सितंबर को महागठबंधन के द्वारा आहूत भारत बंद में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर एनसीपी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से बाहर आकर इस कानून को पारित करना सिर्फ राजनीति व वोट बैंक के लाभ से प्रेरित है। सरकार को पुनः इस कानून पर विचार करना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय के न्यायिक व मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा व लोकसभा में पार्टी समान विचारधारा वाले संगठनों से तालमेल करेगी। सम्मानजनक तालमेल व सीट बंटवारे पर सहमति न बनने पर पार्टी सभी लोकसभा व विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी देगी। इस क्रम में वे पूरे झारखंड प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। श्री गुप्ता ने डीसी लाइन पर कहा कि यह बीजेपी के दो सांसद व जिले के 6 विधानसभा में 5 सीटों पर बीजेपी के विधायक के रहते डीसी लाइन का बंद हो जाना और वही सातों जन प्रतिनिधियों का चुप्पी साधे रहना समझ से परे है। यहाँ की जनता सब देख रही है। आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जिले में बढ़ते अपराध पर श्री गुप्ता ने कहा कि धनबाद में 3 एसपी के रहते हुए हत्या जैसी संगीन अपराध का नहीं रुकना राज्य सरकार की विफलता दर्शाती है। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ बात करने वाला है। बात तो बहुत कुछ करनी है। तो क्या विशेष बात है? भाजपा की सरकार झारखंड में बने हुए करीब करीब 5 साल हो गए और ये कार्यकाल खत्म हो गया। चुनाव सर पे ये भाजपा वालों के सौभाग्य की बात है कि इस बार जो उनको झारखंड की जनता ने जो बहुमत दिया वो बहुमत जो है सो आश्चर्यजनक बहुमत मिला उन लोगों को और पूरी एब्सोल्यूट मजबूती के साथ उन्होंने सरकार का गठन किया। जनता को उम्मीद थी कि एब्सोल्यूट मजबूती के बाद पूरी बहुमत के बाद झारखंड सरकार झारखंड के विकास में अपना योगदान करेगी और जो पिछले दिनों जितने भी मुख्यमंत्री बने वो एब्सोल्यूट मजबूती में नहीं थे, पूरी बहुमत में नहीं थे, इसलिए उदासी थी। लेकिन इस बार जनता को पूरा विश्वास था कि इस बार झारखंड का जो भी उत्थान होगा वो सही तरीका से विकास होनी चाहिए क्योंकि झारखंड की भूमिका पूरी। लेकिन अफसोस की बात है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी आज झारखंड जहाँ पहले था वही आज है। जहाँ तक सेंट्रल की बात है, क्योंकि आपने पूछा कि पेट्रोल और डीजल की, तो आप इतिहास पलट कर देखें, जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक पेट्रोल और डीजल की इतनी कीमत नहीं। मैं भी बहुत सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, पेट्रोल और डीजल की कीमत का अंतर कम से कम 20 रुपया हुआ, 20 रुपये लीटर, और आज पेट्रोल और डीजल का अंतर मात्र 3 रुपये से 5 रुपये के बीच चला गया। और ये वृद्धि इतनी बड़ी कि लोगों को इसकी आशा भी नहीं, जबकि विदेश में जो तो कच्चा तेल का कीमत है दिन पे दिन घटता चला गया और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार जितना घटता चला गया उतना ही ये डीजल और पेट्रोल का रेट घटता चला गया। ये जनता को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कारण है। लोग
सेंट्रल वाले केंद्र के मंत्रालय और केंद्र के मंत्री और प्रधानमंत्री इसमें सफाई देते रहे हैं कि कर्जा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, पिछली सरकारों को दोष देते आ रहे हैं। लेकिन मैं इन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने किया तो किया, आपने क्या किया? आप जनता को ला के कहाँ कर दिया, झारखंड को ला के कहाँ कर दिया, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, या देश कहाँ चला गया जो आपने आश्वासन दिया था डंके की चोट पे कि 46 इंच की छाती है, मैं हर लोगों के बैंक के खाता में इतना लाख रुपया मैं डाल दूंगा। आज एक नया पैसा नहीं, इसके बावजूद भी अमित शाह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो जुमलाबाजी था, जुमला था। इतना अशोभनीय बात उन्होंने कहा कि जनता लोगों को काफ़ी अफसोस हुआ। पेट्रोल डीजल सब जीएसटी के दायरे में एनसीपी चाहती है? बिल्कुल चाहती है, और इसके लिए जो है तो एनसीपी जो है तो हमने हिदायत दिया है कि इसका जो है तो आंदोलन करेंगे, चल अनशन में बैठेंगे, हर डीसी कार्यालय में बैठेंगे और इसका ज्ञापन देंगे ताकि सेंटर को जाए कि जो वृद्धि हुई है, हताश जो वृद्धि हुई है इस पर रोक। सोहराब जी एक दल छोड़कर दूसरे दल में गए हैं, इसके बारे में सोहराब जी समी जदयू से एनसीपी, जदयू से एनसीपी में गए जी। क्या देखा एनसीपी में? एनसीपी में इन्होंने देखा कि यहाँ डिसिप्लिन है, कुछ संभावनाएं हैं जो है ना, यहाँ जो है सो भ्रष्टाचारी कम है हमारे नेताओं में, हमारे जो भी जिला अध्यक्ष हैं जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें भ्रष्टाचारी लोगों में प्रेम है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले हैं, स्वार्थ की सिद्धि नहीं है, लोग अपने स्वार्थ में नहीं पूरे हुए हैं, इसलिए वो अच्छा लगा। और लीडरशिप जो है सो सोहराब जी को उनको अच्छा लगा, तभी एन सी पी में यही सोहराब जी का साथ जी। पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति है? पार्टी की मजबूत तो पहले भी था लेकिन थोड़ा निश्चित रूप से पार्टी की थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें कहीं कोई मत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में पार्टी बहुत मजबूती से निकलेगी और उभरेगी। भले लोग इस पार्टी को जो है वो चूहा समझे या कहें कि इलेक्शन जब आ रहा है तो बीच से चूहा निकला है, लेकिन मैं उन लोगों को आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि चूहा जब निकलता है तो अच्छा अच्छा से चिकन के लिए दिल में लग जाता है, तो चूहा को कमजोर ना समझे, एनसीपी को कमजोर ना समझे, जहाँ भी एनसीपी है एकदम तौर पर चुनाव लड़े। शरद जी कभी आए हैं इलेक्शन के चुनाव में? बिल्कुल नहीं, ये मैंने देखा कि पूरे झारखंड में शरद पवार जी आए, लेकिन जहाँ जहाँ एक अध्यक्ष होने के नाते मैं समझूंगा कि हमारा कैंडिडेट यहाँ से प्राप्त कर सकता है, वो जीत सकता है, वहाँ वहाँ मैं जरूर आएगा। एस सी एस टी के बारे में क्या बताएंगे? एस सी एस टी देखिए अब जो है तो ये पहले आप एस सी एस टी का जो है जो दुरुपयोग हो रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई कि इस तरीके से एफ आई आर कर देता है और एफ आई आर करने के बाद जो है तो आप उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं, तो इसका जो है तो नाजायज जो है तो लोग फ़ायदा भी उठा रहे, इस पर अंकुश लगाने की कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट, इस पर लोगों ने राजनीति किया और राजनीति करने के बाद फिर जो है सो ये गेम करके कि ये ख़त्म हो रहा है और फिर उसको बीजेपी ने उसको फिर जो है सो बदली कर दिया और फिर बोला नहीं ठीक है, तो ये जो है सो दलितों के साथ जो है सो राजनीति हो रही है। एक समय में जब ऐसा आया तो पासवान जी ने कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, वो तो अपने दलित वोट के चक्कर में है, जब वो पार्टी छोड़ देंगे तो दलित वोट चली जाएगी, तो वो अपना दलित वोट के चक्कर में है। तो कहने का मतलब ये टोटल जो गेम है जो सजाया गया वो जो है सो राजनीति चुनाव कितने सीटों पर लड़ेंगे? देखिए अभी हम झारखंड का दौरा करने निकले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पार्टी से और दूसरी पार्टी से तालमेल होने के हमारे ऊपर वाले लीडर जो है सो बात कर रहे हैं, अगर उनसे बातचीत हुई और तालमेल की रणनीति बनी तब तो उसके अनुसार हमारे केंद्रीय नेता बात करेंगे, और नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे झारखंड में हर सीट पर अपना करें, 81 सीटें ही करें। पिछले महीने की 2 या 3 तारीख को वित्त आयोग वाले आए थे झारखंड में, वो जो है सो फंड देने के लिए, तो मैं भी एक प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उस मीटिंग में मैं गया था, सारे प्रदेश के नेता जो है कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अजय, बीजेपी के खुराना के, हम एनसीपी के तरफ से गए थे, तो जब मुझे बोलने का मौका मिला, जब मेरा चांस आया तो मैंने अपनी आवाज़ को उठाया
और उनसे मैंने यही कहा, जो आयोग के जो हेड बन के आए थे, हमने उनसे यही कहा कि आप तो आए हैं सर या फंड देने के लिए, आज आपको डंडे बजा के स्वागत किया जा रहा है ताकि आप फंड दे दें, फंड मिलनी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन फंड के साथ साथ जो योजना जो सरकार जो बना रही है, जो झारखंड सरकार जो योजना बनाई है या बनाती है और उसके मद्देनज़र आपसे पैसा वो लेती है, उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, उसके ऊपर भी देखभाल होनी चाहिए कि जिस योजना के मद्दे हम पैसा दे रहे हैं वो पैसा सही मानों में उस योजना में लग रहा है या नहीं लग रहा है, या काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने मेन बात उठाया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिजली पानी के ऊपर, इसी तरह स्कूल के ऊपर, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, जितना होना चाहिए पैसा देने के बाद उतना जो है हो नहीं पा रहा है। और सबसे लास्ट मैंने ये कहा कि झारखंड को विशेष दर्जा का भी उपाधि देना चाहिए, ये मैंने पिछले वित्त आयोग की मीटिंग में कहा। झारखंड में बिजली की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो गई है, इस पर एनसीपी कुछ बोलेगी? झारखंड में आप आवाज़ ही नहीं उठाते, मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरा गांव में बिजली पहुंच गया, पूरा सुलभ शौचालय पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, तो ये तो देखने की बात है कि कहां बिजली का पोल है कहां नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि आज 2-3 साल हो गए ये डीसी लाइन बंद, बिजली की तार पहुँच गई लेकिन उसमें करंट नहीं है, यही तो बात है ना। मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का हाल है, वही हाल जो है बिजली का है। आपका डीसी लाइन है धनबाद चंद्रपुरा लाइन, आज 2 साल से तकरीबन उससे ज़्यादा से बंद है, जबकि यहाँ के सांसद हैं, सारे विधायक हैं बीजेपी के, किसी आवाज़ कोई आदमी आवाज़ नहीं उठा रहा है इसको चालू किया जाए, आने जाने वाले को कितनी तकलीफ है आप देख लीजिए। तो डीसी लाइन के बारे में क्या बोलेंगे, कोयला निकालना एकमात्र सरकार का उद्देश्य है या क्या करना है? सरकार से तो ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के विधायक और सांसद को होनी चाहिए, चूंकि उनके वोट से वो जीत रहे हैं, आप उनकी सुविधा के लिए आप हैं, आपको सरकार की सुविधा नहीं देखनी है, चूंकि जनता आपको जिता के भेज रही है, तो जनता को क्या सुविधा और असुविधा है पहले उसको तो आप देखिए, जनता को कितनी असुविधा हो रही है कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। प्रतिनिधि को एनसीपी क्या बोलेगी इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर बोलेगी कि आपको तो जनता जवाब देगी, आने वाला इलेक्शन में हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जिला के, हर जिला के अध्यक्ष जो है इस पर जो है तो हम बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, अनसर में बैठेंगे और भी पार्टी अनसर में बैठ रहे हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो क्यों चुप है? मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जो जनता आपको जिता के भेजी है उस जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये तो सारे तो जनता को सोचना होगा कि हम जिसको जिता के भेजे हैं पिछली बार, इस बार मुझे किसको जिताना और उसने जो जीत के मेरे लिए क्या किया, ये जनता को सोचना होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।